हेलो, क्वेश्चन इज गिवन दैट एग्जामाइन वेदर द वेक्टर्स 1 माइनस 1 1 2 1 1 3 0 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इफ डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, इस एग्जांपल में हमें थ्री वेक्टर्स गिवन है एंड वी हैव टू चेक दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट है तो उनमें क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जो वेक्टर्स गिवन है, थ्री वेक्टर्स, उसे हम कंसिडर करेंगे x1, x2 एंड x3। सो द कंसिडर द गिवन वेक्टर एज x1 इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर विच इज 1 माइनस 1 1, x2 इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर विच इज 2 1 1 एंड x3 इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर विच इज 3 0 2। अब यहाँ पे हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे। सो कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन स्टार। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन कंसिडर किया है। अब इक्वेशन में हम X1 X2 एंड X3 जो हमने वेक्टर्स यहाँ पे राइट किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा C1 इंटू X1 वैल्यू विच इज 1 माइनस 1 1 प्लस C2 इंटू X2 वैल्यू विच इज 2 1 1 प्लस C3 इंटू X3 वैल्यू विच इज 302 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो C1 C2 C3 जो वैल्यूज है हमारे वो हमारे स्केलर्स होंगे और जो X1 X2 X3 वैल्यू है वो हमारे वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे हमें स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे हमें थ्री इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे C1 एंड जो फर्स्ट नंबर है 1 उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 इंटू C1 विच इज C1। उसके बाद C2 एंड फर्स्ट नंबर विच इज 2, सो C2 इंटू 2 विच इज ट्वाइस C2, सो प्लस ट्वाइस C2। देन C3 इंटू फर्स्ट नंबर विच इज 3, सो थ्राइस C3, सो दैट मींस प्लस 3 C3 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 0। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट किया है। उसके बाद सेम C1 इंटू सेकेंड नंबर विच इज माइनस 1, सो माइनस C1। देन C2 इंटू सेकेंड नंबर 1 which is 1 into C2, that is C2. Then C3 into second number 0. So plus 0 C3 is equal to 0. And the same C1 into third number which is 1, 1 into C1 which is C1, C2 into 1 which is C2, so plus C2, and C3 into 2 which is twice C3, so plus twice C3 is equal to 0. तो यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स इक्वेशन कंसिडर किया था उसमें जो वेक्टर्स की वैल्यू पुट करने के बाद मैट्रिक्स वेक्टर्स एंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यहाँ पे थ्री इक्वेशंस मिल चुके हैं। ये जो हमारे इक्वेशंस है ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है विच इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे C1 C2 C3 जो हमारे अननोन से उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर हमें 0 मिलते हैं देन द गिवन वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 0 नहीं मिलती दैट मींस नॉन जीरो मिलता है देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, एंड अगर डिपेंडेंट होगा तभी हम उन तीनों में से जो रिलेशन है वो रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसे हम x इज इक्वल टू z इस फॉर्म में राइट करेंगे, वेर a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द अननोन मैट्रिक्स एंड z इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए को राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, जो हमारे इक्वेशन से उस इक्वेशन में जो अननोन से C1 C2 C3 उनके जो कोएफिशिएंट है उनका हमें मैट्रिक्स ए राइट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है C1 C2 C3 के उनके जो कोएफिशिएंट है उनसे हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा। सो फर्स्ट रो मिलेगा 1 2 3, सो 1 2 3। सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो मिलेगा विच इज -1 +1 एंड 0, सो -1 +1 0, एंड थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बनेगा विच इज 1 1 एंड 2, सो विच इज 1 1 2। उसके बाद मैट्रिक्स ए जो होगा हमारा वो अननोन का मैट्रिक्स होगा C1 C2 C3 इज इक्वल टू z, z हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। जो इक्वेशन हमें इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज गिवन है वो हमारा मैट्रिक्स z होता है। ओके, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। सो जेड की वैल्यू हम जीरो जीरो राइट करेंगे और इसे हम एक्स इज इक्वल टू जेड फॉर्म में राइट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू जेड फॉर्म में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे हमने यहाँ पे राइट किया है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करना होता है। रैंक फाइंड आउट के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट वन चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी वन गिवन है तो हम उसे एज इट इज रखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो दो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें जीरो करना है। इन दोनों को जीरो करने के लिए हमें यहाँ पे आर टू एंड आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पे हम आर टू पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आर टू प्लस आर वन, बिकॉज आर टू की वैल्यू माइनस वन है, आर वन की वैल्यू प्लस वन है। इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे प्लस वन माइनस वन तो हमें जीरो मिल जाएगा। सेम साइमल्टेनियस हम आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर थ्री माइनस आर वन, बिकॉज आर थ्री की वैल्यू यहाँ पे प्लस वन है, आर वन की वैल्यू प्लस वन है। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे वन माइनस वन तो हमें यहाँ पे जीरो बन जाएगा। ओके, हम यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो अननोन मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स हमारा एज इट इज होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो एज इट इज राइट किया है वन टू थ्री, जो अननोन का मैट्रिक्स है सी वन सी टू सी थ्री उसे भी एज इट इज राइट किया है, और इज इक्वल टू जो हमारा नल मैट्रिक्स है जीरो 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 उसे भी हमने यहाँ पे एज इट इज राइट किया है। तब हमें यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी यार राइट किया है उसे हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड रो का ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे आर टू प्लस आर वन। यहाँ पे आर टू की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, माइनस वन प्लस वन तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद आर टू की वैल्यू वन है, वन माइनस टू वन सॉरी आर टू प्लस आर वन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। आर टू की वैल्यू यहाँ पे वन है, वन प्लस टू विच इज थ्री हो जाएगा। उसके बाद जीरो प्लस थ्री विच इज थ्री। यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है हमारा जीरो मैट्रिक्स जेड उसमें सारे एंट्रीज जीरो है तो वो हमारा एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद आर थ्री माइनस आर वन ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, आर थ्री की वैल्यू वन है, आर वन की वैल्यू वन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे वन माइनस वन विच इज जीरो। उसके बाद यहाँ पे वन माइनस टू विच इज माइनस वन, देन नेक्स्ट टू माइनस थ्री विच इज माइनस वन। तो यहाँ पे हमने सेकेंड रो एंड थर्ड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है उन दोनों को हमने यहाँ पे जीरो किया है। उसके बाद हमें जो थर्ड रो का जो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे माइनस वन है इसे हमें जीरो करना है। अब इसको जीरो करने के लिए हमें आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर थ्री। यहाँ पे हमें आर टू का यूज करना है, सो यहाँ में आर थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सो थ्री इंटू आर थ्री प्लस आर टू। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे आर थ्री को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे थ्री आर थ्री प्लस आर टू। इसके अलावा और भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आर टू जो ये रो है ये थ्री का मल्टीपल है, आर टू को अगर थ्री से डिवाइड करेंगे उसके बाद आर थ्री एंड आर टू का अगर एडिशन करेंगे तो ये वो भी एलिमेंट हमारे जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम आर थ्री पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे थ्री आर थ्री प्लस आर टू, दैट मीन्स फर्स्ट रो हमारा एज इट इज हो जाएगा, सेकेंड रो भी हमारा एज इट इज बन जाएगा जीरो थ्री थ्री, थर्ड रो पे हमारे चेंजेस होंगे और सी वन सी टू सी थ्री नल मैट्रिक्स का जो हमारा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स वो हमारे एज इट इज रह जाएंगे। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे थ्री आर थ्री प्लस आर टू, सो जीरो इंटू थ्री जीरो प्लस जीरो, सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम रफ कैलकुलेशन करेंगे थ्री आर थ्री प्लस आर टू, यहाँ पे आर थ्री की वैल्यू है माइनस वन है, सो थ्री इंटू माइनस वन प्लस आर टू, आर टू की वैल्यू हमारे पास थ्री है, सो थ्री इंटू माइनस वन विच इज माइनस थ्री प्लस थ्री, सो इट बिकम्स जीरो हो जाएगा। देन नेक्स्ट आर थ्री की वैल्यू यहाँ पे अगेन माइनस वन है, सो अगेन थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री, सो ये हमारा जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो थर्ड रो के जो तीनों एलिमेंट है उन्हें हमें जीरो किया है। उसके बाद हम यहाँ पे और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते एलिमेंट जीरो करने के लिए, बिकॉज जो हमने एलिमेंट जीरो किए वो हमें एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन को स्टॉप करेंगे। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की रैंक राइट करना है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को राइट किया था ए एक्स इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स मिला है वो हमारा मैट्रिक्स ए होगा, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए राइट कर लेता हूँ। सो हियर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स ए मिल चुका है वन टू थ्री जीरो थ्री थ्री एंड जीरो जीरो जीरो। अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक निकलना है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे कितने रोज है वन टू थ्री, माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज विच कंटेन ऑल जीरो एलिमेंट, ऑल जीरो एलिमेंट वाले रो कितने हमारे पास एक ही रो है थर्ड वाला रो, सो थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू टू।
सो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेड का रैंक फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए जेड को राइट करेंगे, ए जेड जो हमने मैट्रिक्स ए राइट किया है उसे हम एज इट इज राइट करेंगे 1 2 3 0 3 3 एंड 0 0 0, उसे हमने एज इट इज राइट किया है। उसके साथ साइड बाय साइड हम यहाँ पे मैट्रिक्स जेड को राइट करेंगे, मैट्रिक्स जेड हमने एक्स इज इक्वल टू जेड जो इज इक्वल टू के बाद में जो मैट्रिक्स राइट किया वो हमारा जेड मैट्रिक्स है, उसे हम राइट करेंगे 0 0 0। इस मैट्रिक्स का भी हमें यहाँ पे रैंक राइट करना है, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड इज इक्वल टू, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए जेड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोटल 3 रोज है, माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज विच कंटेन ऑल जीरो एलिमेंट। अभी ऑल जीरो एलिमेंट वाला यहाँ पे एक ही रो है, तो यहाँ पे 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड। अब हमें चेक करना है यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमने यहाँ पे राइट किया था उसको यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है। यहाँ पे वो चेक कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास n की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन्स है, ये हमारे अननोन्स है c1 c2 c3, दैट मीन्स वी हैव टोटल 3 अननोन, सो n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड इज लेस देन n। यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 है इज इक्वल टू ए जेड हमारे पास 2 है, बट n की वैल्यू हमारे पास 3 है, और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है हमारे इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन की, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और यूनिक की क्या कंडीशन होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जेड इज इक्वल टू n। अगर मैट्रिक्स ए का रैंक 3, मैट्रिक्स ए जेड का रैंक अगर 3 मिल जाता, n की वैल्यू 3 होती, तो हम यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मींस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन मींस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के को नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, दैट मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब वो सॉल्यूशन कौन से होंगे, वो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जहां पे हमने रैंक फाइंड आउट करना स्टॉप किया था, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, इसका यूज करके हम कुछ इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। अब इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड ये फर्स्ट कॉलम है C1 C2 C3 उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। सो हियर वी गेट 1 × C1 C1, 2 × C2 2 × C2 एंड 3 × C3 इज इक्वल टू 0, वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन राइट करता हूँ, 1 × C1 विच इज C1 प्लस 2 × C2 विच इज C2 प्लस 3 × C3 विच इज 3C3 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 0। इसे मार्क करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड रो एंड इस कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 0 × C1 0, 3 × C2 3C2 प्लस 3 × C3 प्लस 3C3, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा 3C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू 0। इसे मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड रो था मैट्रिक्स का वो पूरा का पूरा 0 था, इसीलिए हम यहाँ पे C3 के एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो एज्यूम दैट C3 इज इक्वल टू 2, C3 इज इक्वल टू T। C3 के हमने कोई भी एक वैल्यू एज्यूम किया है, इन जनरल हमने यहाँ पे वैल्यू एज्यूम किया है टी। अभी C3 इज इक्वल टू टी को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देन वी गेट 3C2 प्लस 3C3, C3 के हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 3T को ट्रांसफर करेंगे तो -3T बन जाएगा। सो 3C2 इज इक्वल टू -3T, मल्टीपल 3 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड 3 हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 3/3 1 हो जाएगा, सो -1T विच इज -T। तो यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू फाइंड आउट की है एंड C2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, C2 इज इक्वल टू -T। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करके C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 था C1 प्लस ट्वाइस C2 प्लस ट्वाइस C2, C2 की वैल्यू हमारे पास थी
माइनस टी प्लस थ्री सी थ्री, सी थ्री की वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट सी वन टी इंटू माइनस टी विच इज माइनस ट्वाइस टी प्लस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो. दैट इंप्लाइज दैट सी वन इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस टी प्लस थ्री टी विच इज वन टी. वन टी को ट्रांसफर करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस टी. सो यहाँ पे हमें सी वन की वैल्यू मिल चुकी है, सी वन इज इक्वल टू माइनस टी. एंड वी नो दैट अगर सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू अगर जीरो आती है देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नॉन जीरो आते हैं देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो यहाँ पे हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल चुकी है सी वन सी टू सी थ्री की. दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमें वेक्टर्स गिवन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. सो हियर सी वन इज इक्वल टू माइनस टी, सी टू इज इक्वल टू माइनस टी एंड सी थ्री इज इक्वल टू टी. देन द गिवन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, देन वेक्टर्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट. अगर तीनों जीरो आ जाती यहाँ पे तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट राइट करते, लेकिन यहाँ पे हमें डिपेंडेंट मिल चुका है. उसके बाद हमें एग्जाम्पल में और एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था, अगर डिपेंडेंट है तो उनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड आउट करो. तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंट मिल चुका है तो हमें यहाँ पे आगे रिलेशन फाइंड आउट करना है. रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इक्वेशन स्टार सबसे पहले राइट किया था उसका हम यूज करेंगे. सो इक्वेशन स्टार बिकम्स, हमने इक्वेशन स्टार राइट किया था एग्जाम्पल के स्टार्ट में सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो. ये हमने इक्वेशन स्टार राइट किया था जो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन है उसका यूज करके हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. अब रिलेशन किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे, सी वन की वैल्यू पुट करेंगे, सी वन की वैल्यू थी माइनस टी एक्स वन प्लस सी टू, सी टू की वैल्यू थी माइनस टी एक्स टी एक्स टू प्लस सी थ्री, सी थ्री की वैल्यू हमारे पास थी टी टी एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो. अगर इनमें से अगर हम टी को कॉमन लेंगे, अगर टी को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिल जाएगा माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो. मल्टीपल टी को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड टी हो जाएगा, सो जीरो अपॉन टी जीरो बन जाएगा. दैट मीन्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो. माइनस एक्स वन एंड माइनस एक्स टू को आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे देन वी गेट एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स वन बिकम्स प्लस एक्स वन, माइनस एक्स टू बिकम्स प्लस एक्स टू. तो यहाँ पे इन तीन वेक्टर्स में जो रिलेशन था उसे हमने फाइंड आउट किया है और वो रिलेशन हमें मिल चुका है एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू. तो ये जो तीन वेक्टर्स हमें गिवन थे उनमें ये रिलेशन है एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू. और हमने जो यहाँ पे सोल्यूशन जो रिलेशन फाइंड आउट किया है वो हमारा ट्रू या रॉन्ग है, गलत है या बराबर है उसे हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई हम किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास जो एक्स थ्री की वैल्यू थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू क्या थ्री हमारे पास थ्री जीरो टू, उसे हम राइट करेंगे इज इक्वल टू एक्स थ्री की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू क्या थी हमारे पास वन माइनस वन वन प्लस एक्स टू, एक्स टू की क्या वैल्यू थी टू वन वन जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कंसिडर किया था. अब आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस मिलता है तो हमारा आंसर करेक्ट. तो हम यहाँ पे वेक्टर्स के एडिशन करेंगे, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर से एडिशन हो जाएगा वन प्लस टू इट बिकम्स थ्री, सेकेंड नंबर से एडिशन करेंगे माइनस वन प्लस वन इट बिकम्स जीरो, थर्ड नंबर का थर्ड नंबर से एडिशन करेंगे वन प्लस वन विच इज टू. तो यहाँ पे आर एच एस इज इक्वल टू हमें एल एच एस मिल रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो इस प्रकार से हमें लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स को चेक करना है. ओके, थैंक यू.